हेलो साथियों, नमस्कार। मलबीर प्रसाद के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो साथियों, आज का ब्लॉग मेरा रहेगा ओल्ड पेंशन वाली ओपीएस पर, जो गंगोलियाट से हम लोग यहाँ से बहुत अधिक संख्या में सारे विभागों के कर्मचारी एकजुट होकर ओपीएस बहाली के लिए जो जिले में हमारी रैली है और विशाल सभा और रैली होनी है जिला पिथौरागढ़ में, तो वहाँ के लिए हम प्रतिभाग करने जा रहे हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बाजार को, जहाँ रेलवे स्टेशन पर सारे साथी हमारे इकट्ठे होकर वहाँ से कॉन्वाई रैली की गाड़ियाँ जाने वाली हैं और यहाँ से हजारों की संख्या में गंगोलियाट से पिथौरागढ़ को कूच करने वाले हैं। तो देखते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको ये पूरी रैली की अपडेट दिखाने का प्रयास करूँगा। सुबह 7 बजे हैं, हम अभी पिथौरागढ़ ओपीएस वाली के लिए जो जिला रैली है उसके लिए तैयार हो चुके हैं। सारे साथी हमारे यहाँ पर गंगोलियाट मुख्य बाजार चौराहे पर खड़े हैं और हजारों की संख्या में यहाँ से जा रहे हैं। इस पर हम आपको आगे की अपडेट दिखाते रहेंगे और गंगोलियाट वाले आज जबरदस्त प्रदर्शन अपना जिले में दिखाने वाले हैं। एक गंगोली सो रंगोली कहते हैं, आज ये गंगोलियाट के सब पिथौरागढ़ में जाने वाले हैं रंगोलने के लिए। तो ये महिला शक्ति के रूप में, मातृ शक्ति के रूप में हमारे साथ है। लेके रहेंगे ओपीएस। तो साथियों, अभी यहाँ निकलने की तैयारी हो रही है, सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, सारे विभागों के कर्मचारी यहाँ पर हैं। आप ये देख रहे होंगे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और इस गाड़ी में हम जा रहे हैं। करी दे मेरी सरकार करने की लाइन, मेरी सरकार करने की लाइन सब कर नहीं तू ले करी दे मेरी सरकार करने की लाइन, सरकार करने की लाइन मोदी सरकार। ये आप देख रहे होंगे गंगोलियाट से हम अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं, पहुंचे हैं कहीं नाली से आगे और ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए रवानगी हो रही है। तो साथियों, हम पहुंच गए हैं अभी देव सिंह फील्ड पिथौरागढ़ में, यहाँ गाड़ी पार्किंग की जाएगी, उसके बाद हम चलेंगे रैली स्थल में। रैली स्थल कहाँ पर है सर? रामलीला मैदान में हम जाएंगे अभी और ये है पिथौरागढ़ का देव सिंह मैदान। चलिए, पहुंच गए हैं अभी ये नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ के आसपास और यहीं पर इसके निकट में रामलीला मैदान है और रैली स्थल में हम पहुंच रहे हैं। ये देखिए, आपको रैली स्थल का दृश्य दिखा रहे हैं, आइए चलते हैं। ये जिला रैली है, पूरे 8 ब्लॉक की रैली, यहाँ पर 8 ब्लॉकों से प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हैं। सब आप देख रहे हैं रामलीला मैदान में भीड़ इकट्ठे होती जा रही है। अभी ये 10:30 बजे का समय है, लेकिन दूर दराज से 8 ब्लॉकों के लोग आने में थोड़ा समय लगेगा। 12 बजे यहाँ से जबरदस्त रैली निकलने वाली है और अभी भीड़ जितनी शुरू होगी है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और पार्किंग स्थल जो आने वालों के लिए जो कर्मचारी आ रहे हैं उनके पार्किंग स्थल देव सिंह मैदान में गाड़ी को पार्किंग करने के लिए वहाँ रखा गया है। सभा की जा रही है, जो सबसे साथ ओजस्वी भाषण दे रहे हैं और ये भीड़ आप देख रहे हैं कर्मचारियों की। ये आप देख रहे हैं रैली स्थल पर हम लोग पहुँच चुके हैं, गंगोलियाट की टीम भी सारी पहुँच चुकी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं रामलीला मैदान पिथौरागढ़ में सभी लोग सभी ब्लॉकों से सभी कर्मचारी प्रतिभाग करने के लिए पहुँच गए हैं। यहाँ विशाल रैली होनी है पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए और ये यहाँ की लोकेशन रामलीला मैदान के चारों तरफ की लोकेशन पिथौरागढ़ का ये शहर का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे भाजपा के सरकार चाहे कांग्रेस। ये है हमारी गंगोलियाट की टीम, यहाँ पर सब गंगोलियाट से आए हुए साथी देखिए यहाँ पर ये गंगोलियाट और ये बेरीनाग दो ब्लॉकों का स्टॉल बना हुआ है। यहाँ पर कर्मचारियों के नाम लिखे जा रहे हैं, अंकना की जा रही है, रजिस्टर बना रखा है और आप देख रहे हैं ये गंगोलियाट और बेरीनाग के कर्मचारी यहाँ पर नामांकन कर रहे हैं। इस
कर्मचारी आ चुका है और कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल रही है और इसका यहाँ पर भारत सरकार ने केंद्रीकरण का दिया और इस केंद्रीकरण के नाम पर हमारी जो विकेंद्रीकरण प्रणाली थी वो खत्म हो गई है। तो साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बहुत जबरदस्त रैली यहाँ से निकलने वाली है। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के रामलला मैदान के पास में हम अभी खड़े हैं, आपको ये पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ से रैली निकलनी है और ये समस्त कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन बहाल करने के लिए, जो सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए यहाँ पर जबरदस्त रैली अभी निकलने वाली है। काफी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, आप ये देख रहे होंगे लोकेशन रामलला मैदान के आसपास की लोकेशन में आपको दिखा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर सारे शिक्षक संगठन कर्मचारी संगठन के लोग इकट्ठे हैं, विभिन्न संगठनों के साथी आए हुए हैं, चाहे नए हो पुराने हो, मैं उनका भी
बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, भैया तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, भैया तुमको जाना होगा, मोदी तेरी जागीर नहीं। तो साथियों देख रहे हैं आप, ये नीचे धरना स्थल पर मैं पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये डांस और गीत के माध्यम से, एक डांस के माध्यम से ये पाने के लिए सरकार से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सरकार जो है ओल्ड पेंशन बहाली कर दे। जिला रैली और वहाँ से वापसी हो रही है। अभी हम पहुँचे हैं चीनी की धार में और ये चीनी की धार है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये नीचे बुरसम है और यहाँ पर ये बोगटा है और यहाँ कोडी गांव है और ये जो हमारी बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है और ये चीनी की धार है और ये चीनी की धार है, इसको देखो नहीं तो इसको यहाँ पर ऐसे कटिंग कर रखा है और ये बहुत खतरनाक पहाड़ी है और अभी हम चीनी की धार पहुँचे हैं। कौन